हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। किसी भी पर्सन के बारे में सोचिए, हम उस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स डिटेल्ड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी पॉइंट्स रेजोनेट करता है उसी को लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं, के पर्सन उनको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है नाइन ऑफ स्पेड, थ्री ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ हार्ट, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ स्पेड और एस ऑफ हार्ट। आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन है, मतलब जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तो आपके पर्सन जो है वो किसी सिचुएशन को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और ये सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि हो सकता है कि आपके पर्सन की एंगेजमेंट कहीं फिक्स हो गई है, या आपकी एंगेजमेंट कहीं फिक्स हो गई है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन नहीं है तो ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कुछ मैसेज का कम्युनिकेशन में कुछ इस पर्सन ने आपको मैसेज किया था या आपने किया था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है। उस मैसेज की वजह से कुछ इनविटेशन आया है। ठीक है, कुछ हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है या फिर इस पर्सन की एंगेजमेंट हो गई है, उस वजह से ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है। और कुछ चीज़ है आपके पर्सन के लाइफ में जिसे कि वो फोर्स्ड है करने के लिए। हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं दूसरी जगह किसी रिलेशनशिप में है, या किसी दूसरे जगह आपके पर्सन की एंगेजमेंट हो गई है जो आपके पर्सन को फोर्सफुली करना पड़ रहा है। ठीक है, उस वजह से ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। ठीक है, आपके पर्सन को इस वक्त जो फीलिंग्स नज़र आ रही है कि आते जाते उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है आपके पर्सन का किसी डिसीशन को लेकर। ठीक है, ये डिसीजन हो सकता है कि आपके पर्सन को बार बार ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आपके पर्सन ऑन ऑफ सोच रहे हैं। और आप दोनों के रिलेशनशिप में ये भी प्रॉब्लम है कि ये पर्सन जो है जो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उस वजह से भी इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ये आपको लेकर सेंसिटिव भी है और साथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट भी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बहुत ही एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत मदर फिगर हो, वार्म हो, काइंड पर्सन हो। ठीक है, सेंसिटिव हो, लविंग हो, इनके लिए प्रोटेक्टिव हो, और साथ में आप इनको बिल्कुल ऐसा फील कराते हो जैसे कि आप इनके ही एक दिल का पार्ट हो, एक घर का पार्ट हो। ठीक है, इस तरीके से आप इस पर्सन को फील कराते हो, और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में है इस वक्त, और बार बार इनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन किसी हाई स्टेटस को बिलोंग करते हैं, और परिवार के कहने की वजह से ये पर्सन कहीं दूसरी जगह एंगेज हो रहे हैं, और उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त फिजिकली इल भी है, बीमार भी हो सकते हैं। चलिए और देखते हैं हम टैरो कार्ड से कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं।
अभी तक आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और यूनिवर्स को थैंक्स ग्रेटिट्यूड जरूर कहिएगा ये रीडिंग आपके पास आई। चलिए देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन मतलब थ्री ऑफ कप्स और हार्टेक एंड लॉस, ठीक है। एंड ऑफ द डेक आ रहा है यहाँ पे फोर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। डेफिनेटली ये पर्सन दो सिचुएशन के बीच में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक एनजाइटी स्ट्रेस के माहौल से ये पर्सन गुजर रहे हैं, इनडिसिसिव फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि गलत डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको तो बहुत चाहते हैं, आप इनके दिल की धड़कन हो, तो ये पर्सन उस एक डिसीजन लेना है, या तो हो सकता है अपने लाइफ में दो चॉइसेस के बीच में डिसीजन लेना है, या तो अपने पेरेंट्स और आपके बीच में, या फिर ऑलरेडी कुछ हो सकता है दूसरे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप होता है हो सकता है उसमें, और आप में इस पर्सन को सिलेक्ट करना है, और ये पर्सन उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही है। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आजू बाजू जो कार्ड है वो कितने नेगेटिव कार्ड्स हैं, तो ये किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है। तो इस वक्त ये पर्सन एक दुख के समुंदर में डूबे हुए हैं, हार्टेक एंड लॉस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल देखिए क्या किस तरीके से आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि कैसे अंधेरे में ये जो है ये लेडी खड़ी है और कितनी उदास है, ठीक है। ऐसा चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा है क्योंकि इतना इतनी उदास है कि अपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आई है और यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ऑलरेडी ये रिलेशनशिप का मैटर है, ऑलरेडी कोई दूसरा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये पर्सन मजबूरी में या फोर्स्ड, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताई थी प्लेइंग कार्ड्स में कि फोर्स्ड कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा है, इन्हें आपसे दूर होना पड़ रहा है, इस तरीके से आपके पर्सन की एनर्जीज है, ठीक है। और देख लेते हैं, चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। शॉकिंग रेवलेशन, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को कुछ अचानक से कुछ पता चला है आपके बारे में, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट कहीं दूसरी जगह हो गई है जिस वजह से पर्सन परेशान है। रिलीजिंग एंड हीलिंग और ऑब्स्ट्रक्टेड एंड सफोकेटिंग, आपके पर्सन इस वक्त तो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, किसी सिचुएशन को जानकर ये पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट हैं, ठीक है, और खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे वेज आपके पर्सन फाइंड कर रहे हैं जिससे कि अपने दिल को हील कर सके, ब्रोकन हार्ट को हील कर सके, पर आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब एक ऐसे सिचुएशन में कि इतनी बेचैनी हो रही है पर कुछ कर नहीं पा रहे। आपके पर्सन इस तरीके के स्टेज में है कि जहाँ की कुछ भी चीज़, कुछ गाना सुनने से मेडिटेट भी नहीं कर पा रहे, बैठ नहीं पा रहे कहीं एक जगह, क्योंकि इतने ज़्यादा बेचैनी वाले मोड में हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ देखिए ये कार्ड भी आ रहा है, शैटर्ड हार्ट ब्रोकन एंड शॉकिंग, पूरी तरीके से टूट चुके हैं आपके पर्सन इस वक्त, और रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये पर्सन उन चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जो ब्रेकअप हुआ है उसको भी नहीं सहन कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट है तो ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इस वक्त ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको।
गाइज आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेटेड हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और मैं और भी ऐसे रीडिंग रोज़ लेकर आ पाऊँ, ठीक है? वरना ऐसे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है रीडिंग देखने के लिए, तो मैं फिर वो मेरे अंदर वो इंटरेस्ट नहीं आएगा कि मैं आपके लिए वो रीडिंग बनाऊँ, क्योंकि अगर आप लोगों के ये रीडिंग फ़ायदा नहीं करती है तो फिर बना के क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम यू, आपसे आपके बारे में सोच रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप ही उनके तरफ कोई कम्युनिकेशन करोगे, आप ही फर्स्ट स्टेप लोगे। डू यू इवन नोटिस मी, आपके पर्सन को लग रहा है जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है? डू यू इवन नोटिस मी बोलना चाह रहे हैं। आई फील लाइक आई रुइंड एवरीथिंग, आपके पर्सन को लगता है, देखिए यहाँ तीन पक्षियाँ हैं, मतलब कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने रिलेशनशिप को रुइन कर दिया। आई फील रेस्टलेस इनसिक्योर एंड आई एम मिसिंग यू, आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से आपके पर्सन इस वक्त मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, सारे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या फील कर रहे हैं? आई कांट बियर रिजेक्शन फ्रॉम यू, आपसे रिजेक्शन आपके पर्सन बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। एंड समटाइम्स यू शो सो मच एटीट्यूड, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, ठीक है? आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, उस वजह से आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, आपको ये बताना चाहते हैं आपके पर्सन कि आप ही उनकी खुशी हो, यू आर माई रीज़न फॉर हैप्पीनेस। तो आपके पर्सन ये सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? आपके लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, आपके लिए क्या गाइडेंस है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और परफेक्ट टाइमिंग, और यहाँ पर है फॉरगिवनेस, ठीक है? अगर ये पर्सन, इस पर्सन ने आपके साथ, देखिए एंड ऑफ द डेक भी आ रहा है रोमांस, अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि आपका दिल तोड़ा है, तो देखिए आप इनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड आया है और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ चेंजेस आने वाली हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है। आप जिस परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं वो परफेक्ट टाइमिंग इस वक्त आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है? अब ऐसा लगता है कि आपने पहले बहुत ज़्यादा सहन किया था और सिचुएशन अब आपके कंट्रोल में है और आप जिस तरीके से चाहेंगे सिचुएशन वैसे ही होगी, ठीक है? आपके लाइफ में इस वक्त रोमांस आने वाली है, ठीक है? तो आपके लाइफ में इस वक्त रोमांस आने वाला है और देयर इज समथिंग बेटर, ठीक है? सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव आपके लाइफ में इस वक्त होने जा रहा है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिखिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।